मुजफ्फरपुर में बीते मंगलवार को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के महाराजी पोखर निवासी अफरोज खत्री की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसी क्रम में गुरुवार को छात्र राजद भारत विश्वविद्यालय कमेटी के बैनर तले कलमबाग चौक से लेकर छाता चौक पैदल कैंडल मार्च निकाला गया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कैंडल मार्च में अध्यक्ष आदिल अशफाक ने बताया कि हमारी ये मांग है कि जिला प्रशासन इस घटना के निष्पक्ष रूप से जांच करे, साथ ही उनके हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। इस कार्यक्रम में आदिल शाही, अब्दुल इगलार, मोहम्मद अरमान, गौरत कुमार, प्रिंस राय, इरशाद मुजाहिद आलम, अनिकेत अमन, अब्दुल्ला चौहान, फ्रांसिस रंजन के साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए। ये छात्र राजद भारत विश्वविद्यालय कमेटी BRBU की तरफ से यह शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया है। जी, छात्र राजद भारत विश्वविद्यालय कमेटी की तरफ से आज ये शांतिपूर्ण कैंडल मार्च सभी भाइयों के साथ निकाला गया है। क्या मांग को लेकर निकाला गया? जैसा कि पूरे शहर वासियों को, क्या पूरे बिहार वासियों और देश वासियों को ये नॉलेज होगा कि कल जो घटना अफरोज खत्री के साथ घटा है, ये कोई आम घटना नहीं, बल्कि मुजफ्फरपुर युवा के जो आइकन थे, हमारे भाई जो दिलों पे राज करने वाले थे अफरोज खत्री, उनके लिए ये कैंडल मार्च निकाली गई है। कल अपराधी द्वारा जो उनके विनम्रतापूर्वक हत्या कर दी गई है, उसको लेकर के प्रशासन से मांग करने के लिए हमारे जो माननीय संरक्षक, हमारे पार्टी के जो संरक्षक हैं माननीय मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी के दिशा निर्देश पे आज हम लोग मुजफ्फरपुर में शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। 36 घंटे होने को कोई अभी तक अपराधी पकड़ाया नहीं है। प्रशासन से हम लोग ने वार्तालाप किया था तो प्रशासन हमें 24 घंटे की मोहलत मांगी थी, लेकिन 24 घंटे से 36 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक अपराधी का कहीं भी किसी तरह का कोई सूचना नहीं मिल पा रहा है, जो काफ़ी निंदनीय है। आगे की रणनीति क्या होगी? संविधान के दायरे में रह करके हम लोग संविधान का पालन करने वाले व्यक्ति है, यहाँ पर कोई किसी तरह का शोर शराबा होल हंगामा नहीं करने वाले हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रशासन हमारी बातों को नहीं मानती है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं करती, न्यायालय पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरह से 2014 के बाद हमारा पूरे भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपना जो एक धर्म और जाति के राजनीति करने वाले लोग हैं, उन सब को ये मैं बताना चाहता हूँ कि अब बस करिए, बहुत हो गया। हमारे युवा, हमारे देश के जो युवा हैं, उनकी जान खतरे में। आज हम लोग इतना दुख हो रहा है, हमारे जो भाई थे वो सिर्फ हमारे भाई नहीं, उनको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से उतना मतलब नहीं था, लेकिन वो सबको मदद करने वाले थे, वो सिर्फ एक किसी जाति समुदाय को मदद करने वाले नहीं थे, बल्कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन सभी की मदद करने वाले व्यक्ति थे, उनकी हत्या की गई मुजफ्फरपुर में, ये काफ़ी निंदनीय है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अगर अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इससे आगे हम लोग बढ़ के शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम करेंगे और अपनी बातों को मनवाने में विश्वास रखते हैं। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।